यार पानी की बाटिल मंगवा लें क्या भैया? भैया वो कल्ली जो है ना वो अभी बेहोश हो रही है। कल्ली को लेकर आइयो भैया, चलो मेरे साथ कल्ली दिखाता हूँ। कल्ली तो जा भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद सेकंड एपिसोड ऑफ बंस रोड। और लास्ट एपिसोड में हम सब कुछ कवर नहीं कर सके थे, तो आज हम आए हैं जो रिमेनिंग स्टॉल्स रेस्टोरेंट ढाबे हैं उनको हम कवर करने आए हैं। तो अभी हम आए हैं वहीद कबाब पे जो बहुत मशहूर है यहाँ। ऑल राइट, हम लोग आ गए हैं वहीद कबाब और बंस रोड पे बहुत मशहूर है ये, इनका मेन्यू है और हम इनसे वो जो इनका स्पेशल है वही मंगवाएंगे। मेरे साथ है एहसन, उनका हाथ मोटर में आ गया। अरे ये सादा है। ऑल राइट जी, वहीद का कबाब फ्राई आ गया है और सुनने में दिखने में सॉरी ये तो सालन जैसा है या कीमे जैसा है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ कबाब फ्राई। नान आ गई, चटनी आ गई। ऑल राइट, अब मैं वहीद का कबाब फ्राई ट्राई करके बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे बाइट देखे, बहुत आ रहा यार, बहुत मजे का यार कसम से। बिल्कुल मैश हुआ हुआ है, लाइक आप सीख कबाब और गोला कबाब या बिहारी कबाब सब मिक्स करके उसको पीस दो और उसको फ्राई करके लाया, इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत मजे का आला। चलिए अभी एहसन की टर्न है, एहसन टेस्ट करके बताओ भाई। इस भाई के लिए दुआ करें, इसका हाथ जल्दी ठीक हो जाए। चले बहुत आला है यार, बहुत वीआईपी टेस्ट है। अब साथ की टर्न है, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है माशाल्लाह। भाई इतना टेस्टी, इस स्टाइल का कबाब फ्राई मैंने नहीं खाया, अपनी लाइफ में नहीं खाया। और मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी कि जी वहीद कबाब कहाँ है, वहीद कबाब कहाँ है। ये देखें एक और बाइट देखें, टू गुड। चटनी के साथ अलग ही टेस्ट आ रहा है, क्या कहते हो? चटनी, हाँ चटनी भी बहुत मज़े की है, लश हो गया एंड। ऑल राइट गाइस, अभी हमने वहीं से कबाब फ्राई खाया, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल, आइए मैं। और इसकी तारीफ मुझसे सोडा वाले भाई ने की थी, लास्ट टाइम हमने सोडा उनसे पिया था। तो भाई आपका जो स्पेशल चाट कौन सी है? सर खट्टा मीठा है, आप नमकीन खाएंगे, स्पाइस खाएंगे, खट्टा मीठा खाएंगे, आप मिक्स बना दें जो आपका सबसे स्पेशल होता है, ठीक है सर। और एक प्लेट बना दें, ठीक है भाई। कैसे हो भाई नुमान भाई? राइट, अभी हमने अदान चाट हाउस से चना चाट ली है और मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा, ठीक है जी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखिए बाइट। बहुत अच्छी
हसन टेस्ट करके बताएगा कैसी है भाई। आप मिक्स करके गए और अच्छा फ्लेवर आया, उसको आप कंप्लीट मिक्स कर लें पहले पूरी चाट में मिक्स कर पूरा। अभी भाई ने हमें बताया कि इसको प्रॉपर मिक्स करो और फिर खाओ, तो मुझे अच्छी तो लगी थी लेकिन थोड़ा सा टेस्ट खुल के नहीं आ रहा था। इसको प्रॉपर मिक्स करते हैं उसके बाद हम इसको ट्राई करके बताते हैं। चलो भाई हसन इट्स योर टर्न। ऐसा दिया यार डिफरेंट टेस्ट है काफ़ी, हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है, जो जो चीज़ डली हुई है ना हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है, चटनी का टेस्ट अलग से आ रहा है बिल्कुल। और जो चने हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अच्छा गुड, साथ टेस्ट करके बताएगा। बहुत मज़े की है। अभी हमने चाट को मुकम्मल तौर पे मिक्स किया आपस में और अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ फिर बात। पहले टेस्ट सही से आ नहीं रहा था, भाई ने बताया इस पूरे को मिक्स करो फिर खाओ, तो ये आप लोग भी अब अंदर चाट खाएं तो पहले उसको मिक्स करें उसके बाद खाएं। बहुत मज़े की है यार, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट भाई, बंस रोड की सबसे स्पेशल बात ये है कि आप यहाँ से कुछ भी खा लो मज़े का मिलता है, ठीक है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये है। आ जाएँ हम चलते हैं नेक्स्ट कॉल। ऑलराइट, अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक भाई ये नारियल बेच रहे थे लेकिन उनके पास कुछ ये अलग सी चीज़ रखी हुई थी, कह रहे हैं ये पनीर है जिसको हम लोग चीज़ भी कहते हैं, ये चीज़ है। मैं ट्राई करके देखता हूँ, कुछ अलग सा लग रहा है भाई, टेस्ट तो कराओ। अच्छा है माशाल्लाह, हुए हुए बहुत मज़े का यार। यार बहुत टाइड है, डेजर्ट होता है ना जैसे उस टाइप का है। बिल्कुल यार, है ये चीज़ ये जिसको बोलते हैं ना खालिस चीज़ या देसी पनीर, और बहुत टाइड है यार, पुटिंग की तरह लग रही है, इतनी टेस्टी है ना। बिल्कुल बहुत टाइड है, अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी है। कचोरी है, मीठी टिक्की है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, चमचम है, गरम बारी खड़े हैं, मीठी टिक्की है इनकी और ये कचोरी है, ये इनकी मिठाई है। कचोरी टेस्ट करके आपको बताते हैं। टेस्टी है बट कचोरी भी ठंडी है और सालन दोनों चीज़ें ठंडी हैं। अभी हम लोग आए हैं हॉट एंड सिजी, उनके पास बहुत स्पेशल सॉसेस भी हैं, रिपिट की है, नैंडोज और बहुत ज़बरदस्त इनका सेटअप है। अब खा कर हम बताते हैं। इतना बड़ा इतना हैवी बनाया है आपने, खाएंगे कैसे हम? हाथ से खाएंगे, हाथ से तो खाएंगे नहीं, मुंह से खाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या नाम है इस वाले शवारमे का? सिग्नेचर शवारमा। सिग्नेचर शवारमा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, कब से बना रहे हो आप? एक साल हो गया। अच्छा हम खा के बताएंगे, ठीक है भाई। इतना बड़ा शवारमा इन्होंने बना दिया है, खाना ही मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा। ये देखें तो खाऊंगा कैसे मैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत मज़े का है, क्रीमी। ज़बरदस्त शवारमे की एक अच्छी बात ये होती है, वेजिटेबल्स होती हैं जो गोश्त के साथ खाना बहुत ज़रूरी होती है। यार बहुत क्रीमी है और
जो वेजिटेबल्स का टेस्ट है ना वो मज़ा ही कुछ और कर रहा है इसका, बहुत ही लश। शवारमा बहुत मज़े का था, हम लोगों ने खा लिया है और उसके अंदर बहुत क्रीम थी, मायो था, चीज़ थी, वेजिटेबल्स, चिकन और बहुत सारी सॉसेस और बहुत आला शवारमा खाया। अब हम चलते हैं कुछ चाइनीज़ ट्राई करते हैं। अस्सलाम सर, लकरम आपकी दुआ। अच्छा ये सबसे आपका स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ मशहूर? सर माशाल्लाह हमारा चाइनीज़ सब स्पेशल है और हम सब लाइव बनाते हैं, एक एक ऑर्डर के लिए बनाते हैं। अच्छा। हमारे पास अवेलेबल कोई चीज़ रेडी नहीं होती, आप एक ऑर्डर करेंगे, 10 ऑर्डर करेंगे, 10 ऑर्डर अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या कोई भी एक आइटम जो आप अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ? जी जी, तो आप बोले चिकन चिल्ली ड्राई, बोले सिंगापुरी राइस, बोले चिकन चिल्ली ग्रेवी बना दें, चिकन चिल्ली ग्रेवी बना दें, सही है भाई? ऑल राइट गाइज, अभी हमने शवरमा खाया, बहुत मज़े का था। अब हम कुछ चाइनीज़ आइटम ट्राई करने आए हैं लाल साहब पर। ये बंस रोड पे बहुत मशहूर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और हमने यहाँ से चिकन चिली विद ग्रेवी ऑर्डर किया है। वो आता है तो फिर हम आपको टेस्ट करके बताते हैं, साथ रहिएगा। चाइनीज राइस विद चिकन चिली ग्रेवी हमारा आ गया है, ये देखा जरा, तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त टेस्ट है यार, बहुत मज़े का। एक और बाइट देखिए, बाइट आउट करने का। और ये इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, आई थिंक 300 रुपीज़ की ये प्लेट है। मैं आपको बताता हूँ पूछ के उनसे। वेरी नाइस, गुड टेस्ट। मैं पूछ रहा भाई ये कितने का है? 390 रुपये। हाँ 390 रुपये, सही है भाई। 390 का बिल्कुल मुनासिब पैसे हैं और इतना ज़बरदस्त टेस्ट और क्वांटिटी भी ठीक ठाक क्वांटिटी है। बहुत आला यार, है ना, बहुत मज़े का। ये हमने दराज से अर्थुल ऑर्डर किया था तो ऐसा ही आया था। कैसा? अलग ही टेस्ट है कसम से, है ना। लास्ट व्लॉग में ये दोनों मौजूद नहीं थे, हमने गुलाब जामुन खाई थी इन भाई से, बट दूसरे व्लॉग में भी इनसे गुलाब जामुन इन दोनों को टेस्ट करवाऊँगा। चलो भाई एक एक को टेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्ती, तो मैंने कहा अमीन के साथ था मैं लास्ट व्लॉग में, तो आप दोनों भी ये मिस ना करो, इसलिए मैंने कहा ये आपको मैं टेस्ट करवाऊँ। चलो भाई गरम है, खूब मार तोड़ के खा। हाँ भाई ऐसा है ना, नॉस्टली यार वाकई बहुत है ना। हाँ छोड़ के खाना, जबरदस्त यार। वो जो गरम गुलाब जामुन है ना उसका मज़ा ही अलग है। Thank you.
बहुत मज़े की यार, दिल चाहता है पूरा थाल उठा के घर ले जाऊँ। इतनी लजीज गुलाब जामुन मैंने नहीं खाई कभी। ओह हो गर्म गर्म यार। ये भाई ने लास्ट टाइम भी मुझसे पैसे नहीं लिए थे, इस दफा भी नहीं ले रहा है। हमें समझता है भाई का नाम पूछा था, आप दोबारा बता रहे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान भाई, आपकी इतनी ज़बरदस्त, ये आपके गुलाब जामुन गाजर का हलवा भी था लास्ट टाइम, कब से बना रहे हैं ये? 1962 से मेरे वालिद साहब ने शुरू किया है। 1962 आपके अबू से आप? हाँ, लगा शुक्र अभी भी है। वो सारा जो पूरा टेक ओवर है मेरा पूरी करता है सब चीज़ों को। हाँ, सब चीज़ों को देखना बनवाना लड़कों से मेरे वालिद साहब ही करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आएगा, जरूर। भाई मैं मीठे की या डिज़र्ट की या फिर मैं स्वीट्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा रबड़ी है, और रबड़ी खाने में आए अल्फैज़ रबड़ी हाउस। तो मैं ट्राई करके बताता हूं, मुझे रबड़ी पहले ही बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ, बहुत मज़े की यार, कसम खुदा की बहुत मज़े की, बेस्ट। वाह वाह, एहसन की जो टर्न है, आ जाओ भाई। है ना भाई, ये यहाँ पर मैं दिन दिन में आता हूँ ना, ये सामने दिलचार छोटा कुछ, ये भी बहुत मज़े की बनाता है, बहुत मज़े की। अब साथ बताएगा ये रबड़ी टेस्ट करके। काफ़ी नाइस टेस्ट है यार। अभी साथ जो है कराची अलीम से, मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में कराची अलीम का बनाया था, बहुत ज़बरदस्त अलीम होती है इनकी, और साथ सुबह नाश्ते के लिए ले आया माल पानी। यार भाई को पैसे हमारी तरफ से नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, आपके लिए भाई, हमारी तरफ से रबड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, मज़ा आया आपको? बहुत ज़बरदस्त, बेफिक्र हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। शॉप 1 डिग्री, ये इनका मेन्यू है, यहाँ से चाय ऑर्डर करेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइज, ये था हमारा बंस रोड का सेकंड एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।